अभी हम यहाँ पर एक वीर कुंवर सिंह पार्क में आ गए हैं। अभी आप लोग हम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी रास्ता में पड़ गया पार्क, तो मुझे यहाँ पर आने की इच्छा हुआ तो आप लोगों को भी यह पार्क में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं भरा भरा पार्क, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे। बहुत ही अच्छा तरीके का यहाँ पर आप लोगों को पार्क देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजॉय भी कर रहे हैं, और हम भी अंदर आ चुके हैं। थोड़ा सा वीर कुंवर सिंह जी के विषय में कुछ हम आप लोगों से बता देते हैं कि हमारा इंडिया का फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल 1857, जिसको सिपाही विद्रोह अथवा सिपाही म्यूनिटी बोला जाता है, उस समय में आरा में भी इस रिवोल्ट हुआ था, और इसमें अंग्रेज़ों के साथ में जो इसके विरुद्ध में खड़े थे, तो हमारा यही वीर कुंवर सिंह जी था, जिसने बहुत सारा ऐसा काम किया है जो जिसके कारण से ही हम लोग आरा बहुत ही फेमस है, और आरा में वीर कुंवर सिंह जी इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया था। तो अभी आप लोगों को वहाँ पर भी हम लेके जा रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को हम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा नज़दीक भी हम ले जाएंगे। तो अभी हम भी यहाँ पर पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, और आप लोगों को ये मेरा वीडियो के थ्रू पार्क दिखा पा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। और शाम का अभी 5:30 हो चुका है, तो अभी यहाँ पर रास्ते में ये पार्क पड़ा, इसलिए हमको यहाँ पर आने का इच्छा हुआ। हालांकि गुड्डू सर थोड़ा बाहरी है, क्योंकि यहाँ पर बाइक रखने वाला प्रबंध उतना अच्छा नहीं, इसीलिए बाइक के लिए वो बाहर बैठा है। तब हम घूम रहे हैं पार्क में, घूम रहे हैं और आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो भी कुछ है। और इसी तरीके से कभी कभी इंजॉय करना बनता भी है, और हम इस ईच एंड एवरी मोमेंट को यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी घूम रहे हैं पार्क, अब हम बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के बाद में यहाँ का एक बहुत ही फेमस मैदान है, रंगा मैदान है, वहाँ पर भी हम जाएंगे, वहाँ का व्यू भी आप लोगों को दिखाएंगे। देखते हैं, लंबा यदि मेरा ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इस वीडियो को लगाएंगे। तो अभी पार्क के अंदर थे, अभी हम जाएंगे बाहर, और बाहर जाके आप लोगों का रंगा मैदान में जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो बने रहिए, अभी हम आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर रंगा मैदान है सर, रंगना रंगना मैदान में आ रहा का, और बहुत ही फेमस है,
मतलब बहुत सारा सभी फंक्शन यहाँ होता है सर, चाहे वो पॉलिटिकल मीटिंग हो, चाहे जैसे अभी आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये जो बाउंड्री लगाया गया है, और यहाँ सर से हम बात किए तो यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर अभी 15 अगस्त का प्रोग्राम होने जा रहा है, और यहाँ पर बहुत सारा मार प्रशासन में झांकी बहुत सारा यहाँ किया जाएगा। अभी तो मतलब यहाँ पर सभी लोग शाम को इंजॉय कर रहे हैं, अभी हमको भी यहाँ आने का मौका मिला इसीलिए अच्छा लग रहा है। तो अभी मैदान घूम रहे हम लोग, देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए सभी लोग अभी क्रिकेट बहुत सारे लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और हम भी यहाँ पर अभी आके अच्छा लग रहा है हमको। तो यही है आरा का रंगदा मैदान। जिस तरह से पटना का गांधी मैदान बहुत ही फेमस है पटना का, उसी तरीके से यह आरा का रंगना मैदान भी बहुत ही फेमस है, क्योंकि हम भी बहुत बार इस मैदान के विषय में सुने थे। यहाँ का जितना भी फंक्शंस होता है, जितना भी बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम हो गया, सभी चीज़ यहाँ पर होता है। तो अभी यहाँ पर फेस टू फेस इस मैदान को हम देख रहे हैं, साथ साथ में इस मैदान को हम फील कर रहे हैं, तो हमको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो के थ्रू जो यहाँ पर नहीं आ सके उन लोगों को हम ये वीडियो के थ्रू दिखा पा रहा है मैदान, तो अच्छा लग रहा है। तो ठीक है सर, चलते हैं। हो गया, देखिए तो अभी हम लोग चल रहे हैं नौनौ की तरफ। तो ठीक है, जाते हैं, और रास्ते में बातें करते करते आप लोगों को हम नौनौ अगर पहुँचाएँगे तो बने रहिएगा। अभी हम जा रहे हैं नौनौ की तरफ। तो अभी हम वापस जा रहे थे तो एक सरप्राइजली एक बोट पढ़ने में आया, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं IITN चाय वाला। तो IITN चाय वाला के पास में हम जाकर चाय पियेंगे। चाय नहीं, अभी चाय पियेंगे ना सर, तो पिलाइए भैया। आप IIT पास किए क्या? तो हम लोग यहाँ पर कुछ इंक्वायरी कर रहे थे IIT चाय वाला के साथ। दो दीजिए। और अभी हम यहाँ पर चाय का चुस्के लेने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। पानी नहीं रखे हैं तो इनका बोर्ड दिखाइए भाई। बोर्ड तो दिखाए, दिखा दिए ना, बोर्ड तो दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब चाय का चुस्की हम लोग लेंगे यहाँ पर IITN चाय वाला के पास से। तो ठीक है, अभी ये जो यहीं पर गर्म हो रहा है ना, ये जो इसीलिए ऐसा गर्म हो। तो देखिए यहाँ पर IITN चाय वाला के पास आके चाय पी रहे हम दोनों, अच्छा लग रहा है। चाय पी रहे हैं, अब चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो बने रहिए, इंजॉय कर रहे हैं चाय का। अभी मैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो भी विश्वविद्यालय है, और बहुत सारा लोग इस विश्वविद्यालय से स्नातक का डिग्री लेके बाहर निकलते हैं, और हमारे वहाँ जैसे नवनगर का भी बहुत सारा स्टूडेंट्स ये यूनिवर्सिटी पढ़ता है, और अभी यहाँ पर आने का मौका मिला तो अच्छा लग रहा है। अतः ये वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। तो अभी यहाँ से हमको जाना है इस रास्ते के थ्रू आगे।
तो रास्ता में जो भी चीज़ पड़ रहा है आप लोग हम दिखाते जा रहे हैं। तो अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो ठीक है तो सर चलिए हो गए। तो वो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और आपका इस यहाँ पर डॉक्टर बी डी पांडे मेमोरियल नर्सिंग होम यहाँ पर है, निकलते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। जिंदगी हम छिप छिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए। ऐसी जीत छिप छिपाए। तो अभी हम बीच रास्ते में, अभी यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर दूर है हमारा नव नगर। तो अभी हम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सामने आपका टोल प्लाजा है और यहाँ पर खड़ा है। तो अभी आप लोगों को मतलब बता दें कि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में अब साँझ होने वाला है, दिन ढलने वाला है, तो अच्छा वीडियो नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों को से कुछ बातें करके और उसके बाद में सीधा हम मिलेंगे आप लोगों को जाके अपना रूम में। तो आज आप लोगों को हम दिखाया कि आरा गया, आरा के बाद में हम वापस आए, साथ साथ बहुत सारा चीज़ दिखाया, आरा का रंगना मैदान दिखाया, साथ साथ में वहाँ का पार्क भी दिखाया, साथ साथ में दीदी के साथ ही मिलना हुआ। तो आज इसी तरह का ब्लॉग बना। तो अभी यहाँ पर मैं रोड के सामने खड़ा हूँ, तो थोड़ा सा दिन ढलने कारण से अभी थोड़ी देर में अंधकार होने लगेगा। तो इसीलिए अभी आप लोग देख भी रहे, समय 6:30 हो गया है, तो टाइम बीत जाएगा। तो इसीलिए अभी हम वीडियो नहीं बनाएंगे, सीधे आप जाके रूम में जाके आप लोगों से मिलते हैं। तो बने रहेगा, अब हम जाके रूम में आप लोगों से मिलते हैं और कुछ बातें करके आज का ब्लॉग को एंड करेंगे। तो बने रहेगा, अभी सीधा जाएंगे डायरेक्ट रूम में और रूम में जाके आप लोगों से वहाँ पर जाके मिलते हैं। तो तब तक बने रहिए, अभी हम जाके आप लोगों से नव नगर में मिलते हैं। तो अभी मैं अपना रूम में आ चुका हूँ और बहुत ही लंबा टूर होने कारण से थोड़ा बहुत थकान हो गया है, मगर फिर भी आज आप लोगों को हम आया जाके वहाँ का बहुत सारा चीज़ को दिखाया, बहुत सारा जगह को मैंने भी एक्सप्लोर किया, मुझे अच्छा लगा। तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, और मेरा वीडियो का यदि अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोगों का सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है। और आज
इसी तरह से मेरा ब्लॉग बना आप लोगों को हम दिखाए, और उसके बाद में नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारा अच्छा चीज़ दिखाने की कोशिश हम करेंगे। और नेक्स्ट ब्लॉग में अभी 15 अगस्त आने वाला है, तो हमारे स्कूल में भी बहुत सारा फंक्शन किया गया है, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको 15 अगस्त का ब्लॉग हम आप देने का प्रयास करेंगे, और प्रयास तो क्या हम देंगे 15 अगस्त का ब्लॉग। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अभी हम थक गए तो अभी हम सोएंगे, और वहाँ से हम लोग खाना खा के आए थे, तो इसलिए अब खाना खाने की जरूरत नहीं, तो हम सोएंगे अभी। तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलने का प्रमिस करते करते आज का ब्लॉग से हम इन करते हैं। सो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, और लास्ट में एक ही बार हम बोलेंगे, फिर मिलेंगे चलते चलते। सो एवरीवन, बाय बाय एंड गुड नाइट अगेन।